महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार की पार्टी एनसीपी से राजनीति की शुरुआत करने वाली सोनिया दुहन कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। सोनिया दुहन हरियाणा की रहने वाली है और पिछले काफ़ी समय से हरियाणा में एक्टिव है। कल यानी 6 अगस्त को दिल्ली स्थित दीपेंद्र हुड्डा के निवास स्थान पर सोनिया दुहन ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। इस दौरान कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय मान भी मौजूद रहे। सोनिया दुहन ने जिस तरह से कांग्रेस में एंट्री ली है उससे इतना तो साफ है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सोनिया दुहन अपनी दावेदारी ठोक सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो बताया जा रहा है कि वो हरियाणा के नारनौंद विधानसभा सीट से उम्मीदवार हो सकती हैं। बता दें कि फिलहाल ये सीट जेजेपी के पास है और यहाँ से राम कुमार गौतम विधायक हैं। जल्दी हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। चलिए अब एक नज़र सोनिया दुहन के राजनीतिक सफर पर डालते हैं। सोनिया दुहन सोशल मीडिया पर शरद पवार को अपना राजनीतिक ग्रुप बताती हैं। बताया जाता है कि पुणे में पायलट की ट्रेनिंग के दौरान वह शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी से प्रभावित हुई थी। जब एनसीपी के दो फाड़ हुए तो उस समय सोनिया दुहन ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर को एनसीपी के स्टूडेंट विंग के ऑफिस से बाहर फेंक दिया था। इससे पहले वो साल 2019 में एनसीपी के विधायकों को गुरुग्राम के होटल से रेस्क्यू करने को लेकर चर्चा में आई थी। इतना समय एनसीपी में बिताने के बाद इसी साल मई में उन्होंने एनसीपी को छोड़ दिया था। इसके बाद से वो हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो कांग्रेस की तर्ज पर चुनावी मैदान में उतरती हैं या नहीं।